ओम शांति, ओम शांति। तो तन से हम जिस प्रकार कर सकते हो, अनाज साफ करके देखो मधुबन जल रहे, सब लोग अनाज साफ करके, कोई आधा घंटा, कोई एक घंटा। सेंटर में भी बाबा को भूख लगता है, आपके पास 15 मिनट आधा घंटा है, अनाज साफ के दे दो, सब्जी काट के दे दो, तैयार के कुर्सी ठीक करो। तन से क्या कर सकते हो? हमने एक जगह देखा कि पानी डालना है गार्डन में, माता जी एक आने के बाद पानी डाल रही है, तो जो क्या कर सकते पूछना, बहन जी बता ध्यान ये करो, तो मेरे तन से सेवा लगना करना चाहिए। और किसकी? भगवान की सेवा। एक गुजरात में माता है, बुजुर्ग है, 80 साल की, अकेली रहती है, तो कहती मैं रोज मार्केट से 2 पाव सब्जी लाती हूँ। माता जी आप अकेले हो? कहते मेरा एक बेटा भी है, उसको भी भूख लगती है, 1 पाव सेंटर में देती है, 1 पाव अपने पास ले जाती है। भगवान को अपना बेटा बनाया, उसको भी भूख लगती है, उसको भी भोग लगाना है, भगवान को भोग लगा के अपने ले लिए। भावना नहीं, समझ है यहाँ, पहले भावना थी। ऐसे हमने देखा कलकत्ता में एक भाई का, यूपी का ही, रोज 1 ग्लास गिंडी की कुछ कहते हैं बर्तन दूध शिव पर चढ़ाना है पहले, फिर सारा गांव में दूध बेचता था। एक दिन प्रदर्शनी में ज्ञान सुना, अरे हमारी तो इतना दिन तो पत्थर पर, मूर्ति पर दूध डालता था, उसने वही 1 लीटर दूध सेंटर में देना पहले, फिर सारे मार्केट में सबको दूध छाछ का बिजनेस है, आज तक है, आज तक नियम है। कितने साल से सुना, समझने थी, भावना थी, अभी भावना के साथ समझ चाहिए। तो वो आज भी बाबा के घर में कलकत्ता में है, कहते रोज के पहले भावना थी से ज्ञान नहीं था, 1 लीटर दूध जाके मंदिर में चढ़ाना है, फिर बिजनेस। आज भी बहुत लोग हैं, तो समझ से कर रहे हो, हम किसके लिए कर रहे हैं? शिव बाबा की यज्ञ, ये भावना जरूर चाहिए, समझ चाहिए। समझ से करने वालों को ज्ञानी कहते हैं, बिना समझ के करते भावना है, अंधश्रद्धा। तो यहां ज्ञान युक्त भावना है, समझ से कर रहे, तब भाई साहब कह रहे थे कौन भावना से करे, समझ से करो, तनाव से नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्व इच्छा से। और वो बाबा है आपको प्रेरणा देता है, बच्चे अपने तन मन धन सफल करो, ऐसे रख के क्या करेंगे?